नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास, एन MD PhD आयुर्वेदा डॉक्टर। आज मैं आपको एक हर्ब के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ जॉइंट पेन्स के लिए भी और जहाँ पे भी जॉइंट की स्वेलिंग है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दैट इज़ अग्निमंथ। अग्निमंथ ये दशमूल, मतलब जहाँ पे 10 रूट्स का वर्णन किया गया है उसमें बताया गया एक वन ऑफ द हर्ब है। इसके नाम में ही आप जान सकते हो अग्निमंथ। अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर एंड मंथ मतलब चर्निंग। ये बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने वाला वन ऑफ द हर्ब है। आप देख लीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लोगों में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, दर्द होती है, जहाँ कहीं पे भी दर्द होती है आपको क्या करना है, इसके जो लीव्स है इसको क्रश करके इसका पल्प बना के उस जगह पे लोकली अप्लाई करना है, उससे स्वेलिंग और पेन ये दोनों भी रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसको हिंदी में साधारण भाषा में अरनी नाम से जाना जाता है। तो ये जो अरनी के पत्ते हैं आपको इसको तोड़ना है, अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के उसका पल्प बना के वो जहाँ कहीं पे भी आपके जॉइंट पे स्वेलिंग है उसके ऊपर अप्लाई करना है। क्लियोडेंड्रम फ्लोमिडिस नाम का ये बॉटनिकल नेम है इसका, अग्निमंथा का। और ये कटु तिक्त रसात्मक है, इसका विपाक कटु रसात्मक है और ये वीर्य में उष्ण वीर्यात्मक है। और आप जानते हो कि कोई भी उष्ण वीर्यात्मक जो हर्ब्स हम यूज़ करते हैं वो वात नाशन के लिए, वात दोष शमनार्थ बहुत अच्छा है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसे कि हम आम वात से जाने जाते हैं, या फिर कहीं पे भी पेन होता है जहाँ पे वात प्रधानता रहती है, उसमें इसका यूज़ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके रूट का हम डिकॉक्शन बना के पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक देते हैं जिससे उसका पेन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार का ये अग्निमंथ पेन मैनेजमेंट में, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, एनीमिया में ये बहुत अच्छा काम करता है, स्वेलिंग में ये बेस्ट हर्ब माना जाता है। सो यू कैन यूज़ व्हेनेवर यू फाउंड दिस हर्ब्स, और आप इसका अप्लाई कर सकते हैं अपने पेन मैनेजमेंट के लिए। इसी के साथ अग्निमंथ के बारे में आज के लिए इतनी जानकारी। इस प्रकार के हर्ब्स के बारे में और किस कौन सा हर्ब किस डिजीज में अच्छे से काम करता है इसके बारे में मैं जानकारी आपको देते रहूँगा। धन्यवाद।